गुरु माँ, आप अक्सर कहती हैं कि इवनिंग में सबसे अच्छा होता है अगर आप सूप लें, पर कौन सा सूप बनाएं, कैसे बनाएं, सूप बनाने की सही विधि क्या है? नमस्ते, मैं हूँ आचार्य प्रतिष्ठा। स्वागत है आपका भारत योगा यूट्यूब चैनल पर। आज हम सीखेंगे टोमेटो सूप, बट इट इज नॉट वो ट्रेडिशनल सा टोमेटो सूप जो आप टमाटर से खाली बनाते हैं, लेकिन जो आप मार्केट में एक बहुत ही थिक सा सूप पीते हैं जो आपको बहुत अच्छा लगता है, जिसके अंदर कॉर्नफ्लोर और पता नहीं क्या क्या डाला होता है, वो ना डाले बिना भी आप एक थिक सूप बना सकते हैं। और ये सिर्फ टमाटर से नहीं बनने वाला, ये सूप आपके सर्दियों में डिनर ऑप्शन के लिए बेस्ट है। और सिर्फ डिनर ऑप्शन के लिए ही नहीं, आप इसको इवनिंग स्नैक के रूप में भी ले सकते हैं, आप इसे मिड मॉर्निंग मील के रूप में भी ले सकते हैं। सर्दियों की सभी समस्याओं का समाधान इसमें छुपा हुआ है। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो इससे बेहतर चीज़ खाने के लिए कोई और हो नहीं सकती। और अगर आपको आपका हीमोग्लोबिन कम है या आप एनीमिक हैं तो ये आपके लिए बेस्ट है। अगर आपको पिंपल्स एक्ने की प्रॉब्लम हो रही है तो भी आपके लिए बेस्ट है। और अगर आप कॉन्स्टिपेशन की समस्या से जूझ रहे हैं तो भी आप इसका सेवन ज़रूर करें, यानी इसके लाभ ही लाभ हैं। कैसे बनाना है ये ट्विस्टेड सूप, आइए सीधा चलते हैं रसोई में और जानते हैं। हम आ चुके हैं हमारी रसोई में और इसके लिए आपको लेना है एक कुकर, प्रेशर कुकर, और उसमें बहुत थोड़ा सा घी डाल दीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा डालना है। और उसमें हम एक करी लीफ डालेंगे, वो आप डाल दीजिए। फिर इसमें दो काली मिर्च के दाने डाल दीजिए, और जो बड़ी इलायची होती है उसके अंदर का जो बीज होता है वो एक निकाल करके डाल दीजिए। थोड़े से करी पत्ता भी हम इसमें डाल देते हैं और इसको अच्छे से चला लेंगे। करी पत्ता ये हमने अपने ही किचन गार्डन में लगा रखा है, तो हम वहीं से तोड़ के लाए, हमने ये डाल दिया। इसको अच्छे से चला लीजिए। अब हम इसमें हमारे कटे हुए टमाटर वो डाल देंगे, लेकिन सिर्फ टमाटर ही नहीं, ये देखिए टमाटर के नीचे क्या निकला है, ये है एक छोटा सा अदरक का पीस, ये आपको डालना है। और अदरक के पीस के साथ साथ कुछ गाजर, यानी एक गाजर ले लीजिए, वो डाल दी। और ये है क्यूकम चकुंदर यानी बीटरूट, तो बीटरूट भी डाल दीजिए। इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए और फिर यहाँ पर हम इसमें बहुत थोड़ा सा नमक डाल देते हैं, नमक डाल दीजिए। बस इसको अच्छे से मिक्स करिए, आप स्वाद अनुसार हल्दी भी डाल सकते हो, बहुत ज़रा सी लाल मिर्च पाउडर भी, इससे इसका टेस्ट अच्छा हो जाता है। इसको अच्छे से, और लाल मिर्च पाउडर स्किप भी कर सकते हैं आप, अच्छे से चला दीजिए। फिर यहाँ थोड़ा सा पानी डाल देंगे, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे क्योंकि हमको थिक सूप बनाना है, लेकिन इतना कम भी नहीं कि जल जाए। लिड को बंद कर दीजिए, इसको अच्छे से कुछ सीटी लग जाने दीजिए, सॉफ्ट हो जाने दीजिए। फिर हम इसको, अब ये सॉफ्ट हो गया है, अब इसको हमने मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया पूरे मिक्सचर को, और फिर इसको छलनी में छान लिया है। ये हमारा मिक्सचर रेडी है, ठंडा होने के बाद ही आप इसको थोड़ा सा मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कीजिए। अब एक कढ़ाई लीजिए, उसमें थोड़ा सा घी डालिए, बटर, यहाँ घी नहीं, यहाँ बटर डालिए, और ये जो मिक्सचर था इसको हमने डाल दिया। अब ये जो बर्तन में लगा रहा है ना, इसके अंदर भी थोड़ा सा पानी डाल करके आप इसको डाल दीजिए, अच्छे से मिक्स कर दीजिए। अब यहाँ स्वाद अनुसार नमक डालना है, याद रखिए हम पहले भी नमक डाल चुके, तो बहुत ज़्यादा नहीं डालना, हल्की सी हल्दी डाल दीजिए, चाहे तो थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल दीजिए, और चाहो तो हल्की सी लाल मिर्च डाल सकते हो, सिर्फ अगर आप खाते हैं तो। इसको अच्छे से चला दीजिए। अब इसे थोड़ा उबलने दीजिए। यहाँ हम डालते हैं एक चम्मच शक्कर यानी जागरी पाउडर, दो चम्मच डाल देते हैं क्योंकि इसकी क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा है। अब इसको अच्छे से चलाइए थोड़ा स्वीटनेस के लिए, और यहाँ हम हल्की सी काली मिर्च इस पर स्प्रिंकल कर देते हैं, काली मिर्च पाउडर। चला दिया, अब इसको उबलने दीजिए थोड़ी देर, ज़रा पक जाए। बस ये देखिए कितना प्यारा कलर और कितनी प्यारी कंसिस्टेंसी, मतलब ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा गाढ़ा। इसको सूप बोल में निकालिए और ये आपका सूप रेडी है। अब आप इसको ऐसे ही पी लीजिए, और अगर थोड़ा रेस्टोरेंट स्टाइल, इसको स्टाइल में बच्चों को देना है तो इसमें हल्का सा जो होममेड क्रीम हो उसको डाल दिया और एक पत्ती से इसको सजा दिया इस तरह से, एंड दिस इज रेडी टू सर्व। है ना ये अमेजिंग रेसिपी। आप इस ही रेसिपी से अगर सूप बनाते हैं तो ये आपके वेट लॉस के साथ साथ आपके हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी, अलग अलग जो और एलिमेंट्स हैं, सब के लिए बहुत लाभकारी है। आप ये बनाइए और हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी जब आपने बनाया और इसका सेवन किया। आप इसी तरह से अपने प्रश्न हमें भेजते रहिए, हम आने वाले एपिसोड्स में आपकी समस्याओं का समाधान लेकर आते रहेंगे। हमारी सभी वीडियोस को, टू वॉच ऑल ऑफ आवर वीडियोस इन इंग्लिश, सब्सक्राइब इट भारत योगा इंग्लिश यूट्यूब चैनल, और हमारी सभी वीडियोस को हिंदी में देखने के लिए भारत योगा यूट्यूब चैनल पर ही रहें। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, और हमारे सभी डिस्कोर्सेस को देखने के लिए भारत योगा डिस्कोर्सेस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।
आप हमारे साथ सोशल मीडिया पर भी जुड़ सकते हैं, @acharyaprathishtaji फेसबुक, इंस्टाग्राम, कू ऐप, शेयर चैट, @aprathishta ट्विटर। आप अपने नियरेस्ट भारत योग सेंटर में जाकर के अभ्यास कर सकते हैं। नोएडा सेंटर में जाइए, मुरादाबाद जाइए, सहारनपुर जाइए, या फिर आप ऑनलाइन भी हमारी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। विशेष रूप से हमारा एक बहुत प्यारा वेट लॉस प्रोग्राम है, आप उसको ज्वाइन करके अपना वजन ऑर्गेनिकली घटा सकते हैं। आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभाशीष, खुश रहें, आनंदित रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। हरिओम।